HJ न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वार्ड नंबर 14 की रुक्मणी कुछ दिन पहले सहेलियों के साथ घूमने गई थी। 3 दिन बाद उसका शव नहर में मिला। गोताखोरों ने शव को नहर से निकाला। पुलिस ने शव कब्जे में ले लिया और पहचान की गई तो पता लगा कि लड़की कुराली की रुक्मणी है, जो 2 सितंबर को 4 और सहेलियों के साथ घूमने आनंदपुर साहिब गई थी। मृतका के पारिवारिक सदस्यों ने बताया कि आनंदपुर साहिब जाकर उसका रात को फोन आया कि उसकी 2 सहेलियां आनंदपुर साहिब ही रह गई हैं, जबकि वे अपनी 2 अन्य सहेलियों और 2 उनके रिश्तेदार लड़कों के साथ मां नैना देवी माथा टेकने जा रही है और वे सुबह आएगी। पुलिस शिकायत में भी शिकायतकर्ता ने कहा कि इसी दौरान उन्हें सुबह फोन आया कि उसकी लड़की के साथ हादसा हो गया है। पीड़ित पिता ने बताया कि जब वह आनंदपुर साहिब पहुंचा, तो उसकी लड़की के साथ आई सहेलियों ने बताया कि उसकी लड़की ने भाखड़ा नहर में छलांग लगा दी है। इसी दौरान घटना संबंधी जानकारी पाने के बाद लड़की के पिता ने शंका जताई कि लड़की की सहेलियों के साथ गए लड़कों ने उनकी लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तथा उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए नहर में छलांग लगा दी। इस संबंधी आनंदपुर साहिब पुलिस ने लापता लड़की की सहेलियों से नजना संध्या और दोनों लड़कों जसवीर सिंह और गुरजोत सिंह के खिलाफ पहले ही विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया हुआ है। पुलिस केस में अब शव नहर से मिलने के बाद अन्य धाराएं भी जोड़ दी हैं और शव पोस्टमार्टम के बाद पारिवारिक सदस्यों को सौंप दिया है। शव देर शाम घर पहुंचा, जिसके बाद देर शाम उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया।